नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं रिया आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। जैतपुर उपी क्षेत्र के चाको छपड़ा गांव के समीप हाईवा और ऑटो में हुई भीषण टक्कर, दो लोगों की हुई मौत, सात घायल। नगर थाना क्षेत्र के हरिसभा चौक के समीप गली में बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर मोबाइल कारोबारी से सोने की चेन छीनी। और शबे बारात पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने पूर्वजों की कब्र पर फातिहा पढ़कर की इबादत। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जैतपुर उप क्षेत्र के चाकू छपरा गांव के समीप हाईवा और ऑटो में भीषण टक्कर हुई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई, सात लोग घायल हो गए। जिले में देर रात सड़क हादसे में एक की मौत हो गई जबकि सात लोग घायल हो गए, जबकि दो लोगों ने अहले सुबह दम तोड़ दिया। सभी लोग ऑटो से पूजा करवाने के लिए शहर आ रहे थे, तभी तेज रफ्तार की एक हाईवा ने यात्री से भरी हुई सीएनजी ऑटो में टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची जैतपुर ओपी की पुलिस ने घायलों को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए एसकेएमसीएच मेडिकल कॉलेज में भेजा गया, जहां पर अहले सुबह दो लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। वहीं इस दुर्घटना में चार अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना को लेकर बताया गया कि सभी लोग सीएनजी ऑटो से पूजा करवाने के लिए मुजफ्फरपुर शहर की ओर आ रहे थे, इसी दौरान एक तेज रफ्तार की हाईवा ने टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी पहचान जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के निवासी 45 वर्षीय उपेंद्र पासवान के रूप में की गई है, जबकि अन्य मृतक में जैतपुर ओपी क्षेत्र के चाको छपड़ा के निवासी विजय कुमार के रूप में की गई है, जबकि एक अन्य की पहचान 45 वर्षीय लखिंद्र पासवान के रूप में की गई है। ऑटो में सवार सभी लोग वैशाली जिले के रहने वाले हैं और पूजा करवाने के लिए मुजफ्फरपुर आ रहे थे। वहीं चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम लोग का पता चला कि हम 7-8 बजे रात के पता चला है कि जे हम लोग मामा है। हाँ। सुने में आया कि जे वो जाते थे पूजा कराने, तो कर्जा में कि काम या कि जे ठोकर लग गया है। तीन आदमी तो पहले से तो दो ही आदमी के था। हाँ। ताकि यहाँ आए हैं तो तीन आदमी के मालूम चला है कि तीन आदमी वहीं पर। दो आदमी डेट किया है इलाज के जी, वहाँ पर दो आदमी डेट किए। क्या नाम था आप जानते हैं? नहीं, हम तो अब लड़का कुछ और बता रहा है, हम वहाँ के तो है ना। आपके उनको आपके कौन मामा है? क्या नाम? मैंने हमको बिफई पासवान कह रहे हैं कि हम लोग ऐसे लड्डू 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 मामा जैसे आ रहे हैं तो पूजा दिया ने। हाँ। उसी समय वो घर कोखरेरा में हत्या हो अति मराठी हो गया कोखरेरा में दुर्घटना। हाँ, दुर्घटना हो गया। वो लोग सीएनजी ऑटो से? हाँ, सीएनजी ऑटो से मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। हाँ, मुजफ्फरपुर पूजा दिया ने आ रहे थे। वहाँ घटना स्थल पर कई आदमी डेट कर गया? वहाँ पर घटना स्थल पर तीन आदमी डेट किया। वहाँ पर एक आदमी किया है, यहाँ पर या बाकी और अथी में मेडिकल में। हाँ, इलाज के दौरान। हाँ, इलाज के दौरान। आपके पिताजी डेट? हाँ, पिताजी। अच्छा, कौन कौन मृतक है, तीनों के नाम और उम्र बताइए। मृतक के हम नहीं सर, अपना पिता का नाम जान सकते हैं उसको। आपके पिता का नाम? हमारे पिता का नाम बिफाई पासवान हुआ। कई वर्ष के थे वो? 35-40 वर्ष के थे। नगर थाना क्षेत्र के हरिसभा चौक के समीप गली में दिन दहाड़े अपराधियों ने हथियार के बल पर मोबाइल व्यवसायी की सोने की चेन छीन ली। जिले में चैन स्नैचिंग गिरोह का फिर से आतंक देखा गया है। कारोबारी से अपराधी ने हथियार के बल पर सोने का चैन छीन कर फरार हो गया। इससे इलाके में हड़कंप सा मचा हुआ है। मामला नगर थाना क्षेत्र का है। शिव रतन लाल मॉर्निंग वॉक करके बाइक पर सवार होकर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान हरिसभा चौक के समीप एक गली में दो अज्ञात बाइक सवार अपराधी ने उनके बाइक के सामने अपनी बाइक खड़ी कर दी। इसके बाद बाइक सवार अपराधी ने पिस्टल सटाकर लाखों रुपए का सोने का चैन छीनकर फरार हो गया। इसके बाद कारोबारी थाने में लिखित शिकायत देने पहुंचे हैं। शिव रतन लाल ने बताया कि सुबह में मैं अपने घर हरी सभा चौक पुल से पश्चिम वाली गली में
सुबह में टहलकर जो ही अपने घर के नजदीक पहुंचने ही वाला था कि अचानक एक मोटरसाइकिल पर सवार दो आदमी पिस्टल सटाकर मेरे गले का लगभग चार भर का सोने का चैन छीनकर हरी सभा चौक की ओर भाग गया। सुबह जिला स्कूल मॉर्निंग वॉक से अपने घर के तरफ जैसे लौटे ना, हरी सभा चौक से जैसे पश्चिम वाला गली है, पुल पर ना चौहर के साइड से पश्चिम वाला गली में जैसी ही एंट्री की है, उसी दो आदमी से आगे से घेर लिया और पिस्टल गिरा के चार भर का चैन। वो लोग भी टू व्हीलर से थे और हम भी टू व्हीलर से थे और पिस्टन गिरा के चैन छीन लिया। गाड़ी रोकने के लिए भी चला गया था? नहीं, आगे से गाड़ी पहले से लगा चुका हुआ था। हाँ, जैसे ही लगाया वैसे हम समझ में हमको ना आया, जब देखे कि दो आदमी बैठा हुआ है तो शायद बैक कर रहा है, आगे 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 करके बैक करेगा, उसी दरमियान बैक करके पिस्टन गिरा के चैन छीन लिया। हाँ, दोनों आदमी का चेहरा ढका हुआ था, एक आदमी का दिखाई दे रहा था, एक आदमी का चैन ढका हुआ था। छीनने के बाद किधर फरार हो गया? और हरिसभा चौक से निकलते हुए मोती जी की तरफ निकला गया। क्या क्या छीना है? केवल चैन छीना जाए, चार भर का चैन है। दोनों आदमी का हाथ में हाथ लिया था या किसी एक के? नहीं, एक ही एक तो ड्राइव कर रहा था और एक आदमी पिस्टल निकाला था। दोनों आदमी हेलमेट पहने हुए थे? हाँ, नहीं, एक आदमी हेलमेट पहने हुआ था, एक आदमी मफलर जो कपड़ा होता है वो लपटे हुआ था। वही हथियार दिखाया? हाँ, वही हथियार दिखाया। कहाँ जा रहे थे? हम अपने डेरा की तरफ जा रहे थे। डेरा की तरफ? हाँ, चौक जिला स्कूल से टहल कर मॉर्निंग वॉक करके जो है हरिसभा चौक के तरफ पश्चिमी वाला गली में मेरा मकान हुआ, उसी गली में जैसी एंट्री करते ही इस काम हुआ जाए। टर्निंग पर ही? हाँ, नहीं, हाँ, टर्निंग पर ही। क्या करते हैं? मोबाइल व्यवसाय से काम करते हैं। कहाँ पे दुकान? कल्याणी चौक पर विभिन्न किसान संगठनों के सदस्यों ने एकजुट होकर केंद्र सरकार का पुतला जलाते हुए प्रदर्शन किया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सोमवार को विभिन्न किसान संगठनों की ओर से कल्याणी चौक पर प्रदर्शन कर WTO छोड़ो दिवस का आयोजन किया गया तथा WTO एवं केंद्र सरकार का पुतला दहन भी किया गया। किसान नेताओं ने भारत सरकार से WTO से बाहर आने की पुरजोर मांग की, साथ ही कृषि को विश्व व्यापार संगठन से बाहर रखने की मांग की। वक्ताओं ने सरकार से मांग की MSP सरकारी खरीद, PDS सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे सब्सिडी वाले खाद्य कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लागू करने पर विश्व व्यापार संगठन को रोका जाए। वक्ताओं ने भारत सरकार से अपने किसानों की सुरक्षा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने अधिकारियों की रक्षा करने की मांग की। इनके रास्ते में किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था या समझौते को बाधा बनने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। आज ऑल इंडिया किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कॉल थी कि आज WTO का पुतला दहन करना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन जनरल नरसिम्हा राव के समय 91 में WTO आई थी और उस WTO के शर्त थे भारतीय बाजारों को खोलना, उदारीकरण, नई आर्थिक नीति, औद्योगिक नीति उसी दौर से शुरू हुआ था और उसके बाद उस उदारीकरण लागू होने के बाद भारत सरकार WTO के मेंबर बन गई। बनने के बाद पूरी भारत की जो खेती, रोजगार, उत्पादन, नौकरी, सेवा, उद्योग, आदिवासी, जंगल, जमीन, सभी ये बड़े पूंजीपतियों के हाथ में, देसी विदेशी कॉरपोरेट के हाथ में सौंप दिया गया और उसके बाद से धीरे धीरे उन किसानों, मजदूरों, आदिवासियों पर लगातार हमले, रोजगार पर हमले, जमीन पर हमले लगातार शुरू हुए और आज वो जारी है और आज पूरा देश इस WTO के चपेट में, आज देश आज आर्थिक रूप से मंदी के दौर से आज गुजर रही है और उसके चपेटे में आज पूरा हर रोजी रोजगार, हर तरह के संकट, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम चीजें आज वो विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत समझौते के अनुरूप तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में सौंप दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिले को बड़ी सौगात दी, सुगौली रेल खंड के मोतीपुर स्टेशन के जीर्णोद्धार की घोषणा की। अमृत भारत योजना के तहत PM मोदी की बड़ी सौगात मुजफ्फरपुर जिले को मिली। सुगौली रेलखंड के मोतीपुर स्टेशन का जीर्णोद्धार के साथ ROB का निर्माण होगा। देश भर की कई स्टेशनों को अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन के निर्माण और वर्ल्ड क्लास स्टेशन में
शामिल किया गया है। इसमें मुजफ्फरपुर और मोतिहारी रूट के सुगौली रेलखंड के मोतीपुर को शामिल किया गया है, जिसे लेकर लोगों में बहुत खुशी है। बता दें कि मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड के इस बेहद भीड़ भाड़ और महत्वपूर्ण स्टेशन में शामिल मोतीपुर का अब कायाकल्प किया जाना है। इसी क्रम में केंद्र सरकार की 41,000 करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण आज पीएम मोदी के द्वारा किया गया। समस्तीपुर मंडल के इस रेल स्टेशन का विकास किया जाना है और इसके आधारभूत संरचना और ढांचा का विकास किया जाएगा। बता दें कि मुजफ्फरपुर स्टेशन का अब अमृत भारत योजना स्टेशन के रूप में चयन किया गया है और जिसमें पहले फेज में 14 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसमें स्टेशन के डिज़ाइन, आउटलुक, फंडामेंटल और सर्कुलेटिंग एरिया, प्लेटफॉर्म, लोगों के लिए बैठने की जगह और डिलक्स लेवल का शौचालय शामिल है। इस मौके पर रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत विभिन्न स्टेशनों का पुनः द्वार के साथ ही मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड के मोतीपुर स्टेशन के कायाकल्प का उद्घाटन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। जल्द ही इस दिशा में तेज रफ्तार से काम शुरू कर दिया जाएगा। इसको लेकर मोतीपुर में दो बड़ी सौगात दिया गया है, जिसमें कि मोतीपुर स्टेशन का निर्माण कार्य के साथ आरओबी निर्माण कार्य शामिल है। इसके बनने से यहां के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जी, आज यहां पे ये 124 नंबर एलसी गेट, यहां पे आरओबी के निर्माण कार्य का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। देश के विभिन्न स्तरों पर स्टेशन के पुनर्विकास एवं आरओबी का निर्माण का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सब जगह का एक साथ शिलान्यास किया गया, जिसमें यह मोहम्मदपुर बलमी का एलसी गेट नंबर 124 भी शामिल है। यह गेट लगभग, ये आरओबी लगभग 38 करोड़ 60 लाख के लागत से निर्माण किया जाएगा और ये NH-28 और इधर के साहबगंज फारू सबके कनेक्टिविटी, आसपास के 4 लाख से ज़्यादा लोग इसे लाभान्वित होंगे। और यही इसी का डिमांड लोग कर रहे थे, इस संबंध में बताया। अब इस जो जहां तक संभव होगा वो कार्य किया जाएगा। अभी तो आरओबी का कार्य है, इसके साथ स्टेशन पर भी, हाँ, मोतीपुर स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य है, वो वहां का वहां पर शिलान्यास किया गया है। इसके लिए यहां पर किया गया, दोनों एक ही जगह एक ही समय दोनों का वीसी के माध्यम से किया गया। मोतीपुर स्टेशन में क्या क्या सुविधाएं मिलेगी? भारतीय स्टेट बैंक के जोनल ऑफिस परिसर में SBI पेंशनर संगठन की कार्यकारिणी समिति की बैठक की गई। भारतीय स्टेट बैंक जोनल ऑफिस परिसर में सोमवार को SBI पेंशनर्स एसोसिएशन पटना सर्कल के कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता उमेश मिश्रा मंडल अध्यक्ष ने की। मुख्य अतिथि के रूप में महासचिव हरेंद्र प्रसाद ने SBI पेंशनर्स के हित में बैंक के द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में जानकारी दी और समिति सदस्यों के द्वारा उठाए गए नए समस्याओं के निराकरण हेतु भारतीय स्टेट बैंक के प्रधान कार्यालय के समक्ष पदाधिकारी से संपर्क कर निराकरण करने का आश्वासन दिया। सभा में उपस्थित सभी सदस्यों का उप महासचिव CP सिंह मुजफ्फरपुर जोनल ऑफिस ने स्वागत किया। इस सभा में पेंशनरों के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिलीप कुमार को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। हम लोगों का स्टेट बैंक में पेंशनरों का एक बहुत बड़ी संख्या है, जो इतने लोग आज ऐसा है कि जितने लोग वर्किंग स्टाफ हैं जो कार्यरत हैं बैंक में, उससे ज़्यादा बैंक में उससे ज़्यादा लोग हैं। लगभग 2,30,000 हमारे अभी चार है, उसके लगभग 3 लाख से ऊपर पेंशनर हैं। तो उनकी जो समस्याएँ हैं पेंशनरों की, उसके समाधान के लिए हमारा ऑल इंडिया स्तर पर स्टेट बैंक पेंशनर एसोसिएशन है और राष्ट्रीय स्तर पर फेडरेशन है। तो हम लोग नियमित रूप से कुछ बैठक करते हैं, उसी क्रम में एक बैठक हमारी त्रैमासिक अंतराल पर होती है, जो केंद्रीय कार्यालय पटना में। इस बार हम लोगों ने इस बैठक का निर्णय मुजफ्फरपुर आंचलिक कार्यालय में किया है। अभी हमारा मुजफ्फरपुर आंचलिक कार्यालय के सदस्य जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे जो केंद्रीय कार्यालय के पदाधिकारी हैं और जो हमारे मुजफ्फरपुर अंचल में जो जिला है, उन सभी जिला के पदाधिकारी यहाँ आए हैं और हम बैठकर बैठक हम लोग का ये जो हम लोग का पेंशनर एसोसिएशन जो है उसका त्रैमासिक मीटिंग हम लोग सर्किल कमेटी का करते हैं और सर्किल कमेटी में हमारे जितने लोग हैं उसमें आते हैं और हम लोग का क्या जो बैंक के द्वारा हमको जो अधिकार मिला हुआ है वो बैंक उसमें क्या क्या करती है, बैंक हमको अगर कहीं बैंक उसमें अगर कहीं अगर हेरा फेरी करती है या बैंक का अगर वो हमको चीज़ नहीं देना चाहती है, तो उसके लिए हम लोग पूरे सभी जोन से हमारे जितने भी जोन हैं
8 जोन है हमारे सर्किल में, बिहार झारखंड मिला के सारे लोग एकत्रित होते हैं और इसी पर हम लोग परिचर्चा करते हैं और जो कमी होती है उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करते हैं। अगर मान लीजिए जोन से अगर वह कमी दूर नहीं होता है तो फिर उसको हम लोग हेड ऑफिस और कॉरपोरेट ऑफिस तक भी इसको हम लोग ले जाते हैं और स्टेट बैंक के, और इसीलिए हम लोग ये मतलब मीटिंग रेगुलर मीटिंग करते हैं। उसी क्रम में यह मीटिंग पहले चूंकि बराबर सबे बारात पर मुसलमान समुदाय के लोगों ने अपने पूर्वजों की कब्र पर फातिहा पढ़कर इबादत की। रमजान शुरू होने में अभी कुछ दिन बचे हैं, लेकिन उसके पहले मुसलमानों के लिए एक ऐसी रात आती है जिसमें कहा जाता है कि सच्चे दिल से इबादत कर दुआ मांगने पर गुनाह माफ हो जाते हैं। उस रात को शबे बारात कहते हैं। ये कोई त्यौहार नहीं बल्कि इबादत और दुआओं की रात है। मुजफ्फरपुर में शबे बारात पर रविवार को काफ़ी रौनक रही, कब्रिस्तानों में रोशनी की गई। शबे बारात पर कब्रिस्तानों में पहुंचकर लोग पुरखों की कब्रों पर रोशनी करने के साथ फातिहा पढ़कर मगफिरत की दुआ मांगते हैं। इससे गुनाहों से छुटकारा पाने की रात भी कहा जाता है। जिले के विभिन्न इलाकों में कब्रिस्तान में रात में रोशनी की गई, रंग बिरंगे लाइट से कब्रिस्तान को सजाया गया। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में धूमधाम से शबे बारात मनाया गया। मुस्लिम भाई रात भर जागकर मस्जिदों में इबादत करते हैं। ये रात पिछले एक साल में जाने अनजाने में हुए गुनाहों के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगने की रात है। कहा गया है कि इस रात जो भी सच्चे दिल से अपने गुनाहों की तौबा करता है उसके सभी गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इस मौके पर मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जाती है। इसके साथ ही लोग कब्रिस्तान में जाकर वहां दफन पूर्वजों और अपने के लिए दुआ भी मांगते हैं। ये शाबानुल मुअज्जम का महीना है। तमाम महीनों में इस महीने की जो फजीलत है वो अलग है, और आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने इस महीने के सिलसिले में फरमाया कि शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मुबारक ही अल्लाह का महीना है। और रिवायत के अंदर आता है कि ये शाबानुल मुअज्जम के महीना को आका अलैहि सलातु वस्सलाम इस तरह से गुजारते थे कि बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा का फरमान है कि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आका अलैहि सलातु वस्सलाम को कभी भी लगातार पै दर पै दो महीने का रोज़ा नहीं रखते हुए देखा सिवाय शाबान के और रमज़ान के। ये दो महीने लगातार आका अलैहि सलातु वस्सलाम रोज़ा रखते थे, और इसीलिए सहाबा को भी मोहब्बत हुई, या सहाबा को भी क्या कहते हैं इसकी चाशनी लगी, तो सहाबा ने भी पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम भी रोज़ा रखना चाहते हैं, आप नबी हैं, बख्शे बख्शा हैं, आप मासूम बेगुनाह हैं, तो आप इतना लगातार रोज़ा रखते हैं, हम लोग तो गुनाहगार हैं, हम लोग की मगफरत का होगा क्या होगा नहीं पता नहीं, इसलिए हमें भी रोज़ा की इजाज़त दीजिए। तो आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया कि आप लगातार रोज़ा नहीं रख सकते, इसलिए कि आप में वो ताकत नहीं है जो ताकत अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाई है। मुझे अल्लाह ताला रूहानी ग़िज़ा देता है जिसकी वजह से मैं लगातार रोज़ा रख पा रहा हूँ। आप रोज़ा न रखें लगातार, 15वीं शब से पहले पहले 15 शाबान से पहले पहले जो आपको रोज़ा रखना है आप रख लीजिए। 15 शाबान गुजर जाने के बाद जो वक्त मिलता है उसको खा पी के तैयार रहिए, ताकि फ़र्ज़ एबाद जो आपके आपके सर पर है, फ़र्ज़ रोज़ा रमज़ान का है, वो बहुत से खूबी अंजाम पा सके। उसके अंदर इस महीने के अंदर शाबानुल मुअज्जम के महीने के अंदर एक मोहतम बिशान रात है जिसको शबे बारात कहते हैं। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कम्प्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर, कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी।
होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888, और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है, और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0% डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। भाजपा गरीबनाथ नगर मंडल के कार्यालय में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर लाभार्थी संपर्क योजना के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। रविवार को आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लाभार्थी संपर्क योजना के तहत एक कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन अखाड़ा घाट रोड स्थित भाजपा गरीबनाथ नगर मंडल के कार्यालय में किया गया, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष धीरज सिंह और संचालन महामंत्री पंकज प्रकाश ने किया। उक्त कार्यशाला कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला भाजपा के महामंत्री सह मुख्यालय प्रभारी सचिन कुमार ने मंडल की पदाधिकारी, महिला मोर्चा अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रमुख बूथ अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं को लाभार्थी संपर्क योजना के विषय में विस्तार से बताया और अपने क्षेत्र के लाभार्थियों से मिलकर उनका हाल चाल पूछने व केंद्र सरकार की अन्य योजना के बारे में उनको बताने का निर्देश दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष सह भाजपा के वरिष्ठ नेता पुरुषोत्तम पोदार, जिला उपाध्यक्ष अंकित सिंह और आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आया है लाभार्थी योजना, इसके लिए जो विशेष रूप से जिला से महामंत्री आए हैं सचिन कुमार जी, ये हम लोगों को विशेष रूप से बताएंगे, या जो भी यहाँ से जिला से उपस्थित जो भी लोग हैं वो विशेष रूप से बताएंगे कि आगे करना क्या है। और हम लोग के प्रेरणा स्रोत श्याम प्रसाद मुखर्जी जी और पूज्य दीनदयाल उपाध्याय जी, मंच पर आसीन हमारे जिला के से चल के आए इस कार्यक्रम के बैठक के मुख्य अतिथि भाई सचिन जी, जो जिला के महामंत्री हैं और मुख्यालय के प्रभारी हैं। और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा और भाकपा माले ने संयुक्त रूप से सहारा पोर्टल के विरुद्ध एक दिवसीय धरना दिया। सहारा पोर्टल के विरुद्ध एवं सहारा से संपूर्ण भुगतान के लिए सोमवार को संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा और भाकपा माले ने संयुक्त रूप से खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर एक दिवसीय धरना देते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इसके पूर्व हरिसभा चौक स्थित भाकपा माले कार्यालय से विरोध मार्च निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के नगर सचिव सूरज कुमार सिंह ने कहा कि जब तक एक एक जमाकर्ता एवं कार्यकर्ताओं का पैसा सहारा इंडिया से भुगतान नहीं हो जाता, तब तक हम लोगों का आंदोलन यूं ही अनवरत जारी रहेगा। जन संघर्ष मोर्चा का आप तमाम के संबंध में हमारी पार्टी भाकपा माले शुरू से ही हम इस आंदोलन के साथ हैं और अंत तक भुगतान हो जाए तक हमारी पार्टी इसके साथ है। अमित शाह ने जब 5,000 करोड़ रुपया जब उन्होंने लिया तो देश के लोगों में एक विश्वास जगी, लगता है शायद सरकार कुछ जो वो बात कह रहे थे एक एक पाई का हम भुगतान करेंगे, तो समझा और वो बोल कुछ रहे थे, वो कह रहे एक भी करेंगे। खोला, लोगों ने पोर्टल पर आवेदन दिए और सारे आवेदन में आप जो है किंतु परंतु इफ लगा के सब आवेदन को लौटा दिए, कुछ भुगतान नहीं हुआ। 5,000 करोड़ रुपया आपने लिया, 1 रुपये का भुगतान किसी आम आदमी का जमाकर्ता का नहीं हुआ और 292 करोड़ रुपया आपने उसमें से खर्च कर दिया।
माल महाराज के मिर्जा खेले होली। जमा करता का पैसा जमा करता का जमा करता नहीं, और आपने 292 करोड़ रुपए खर्च भी कर दिए। ये क्या है? सरकार को जब जनता वोट देती है, सरकार जनता के जान माल की रक्षा की गारंटी हम करते हैं, तो जान माल की रक्षा की गारंटी क्या क्या होती है? अगर हमारा एक मोबाइल चोरी अगर हो जाएगा, कोई चोर चोरों को आज 26/2 को पूरे राष्ट्र पर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम का कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग भगपा वाले चौक से मार्च करते हैं, खुदीराम बोस स्थल यात्रा को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, और हम अमित शाह सहकारिता मंत्री से ये मांग करते हैं कि सहारा का भुगतान जल्द से जल्द करें, और ये पोर्टल का जो जुमले है ये उनकी चुनावी हथकंडा है। 9 महीना पहले एक अनाउंस किए थे कि 45। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।